Hey guys, so welcome back to my new vlog. So guys, अभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड मैं जस्ट अभी नहा के आई थी. यू कैन सी मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं. एंड गाइस, शौर्या को देखिए, आई थिंक आई फ्लू हो गया है. कंफर्म तो नहीं है अभी कुछ, क्योंकि उसने ब्लैक चश्मा इसी वजह से लगा रखा है. अरे अरे, देखो उसकी वो वाली जो आँख, इधर वाली वो हल्की सी सूज रही है, इधर वाली में कुछ भी नहीं है. एंड अभी कुछ कंफर्म तो नहीं हुआ है. और शौर्य और मम्मा आई थिंक आज जाएंगे शौर्य की आँख के लिए आई ड्रॉप लेने के लिए. उसकी आँख रेड भी हो रही है वो वाली. गाइस ये देखिए, बेचारा शौर्य है बट एक आँख में कुछ भी नहीं हुआ है. वैसे मुझे नहीं लग रहा तुम आई फ्लू हुआ है. शौर्य इतना पागल है ना, अपने सारे फ्रेंड्स को कह दिया कि गाइस मुझे आई फ्लू हो गया है. अभी कंफर्म नहीं है, इसने पहले से मैंने कह दिया मुझे आई फ्लू हो गया है, मुझे आई फ्लू हो गया. अरे भाई अभी रुक जाओ. एंड गाइस अभी हम नाश्ते में ये खा रहे हैं, ये मैक्रोनी है, इसमें प्याज डली हुई है थोड़ी सी, मम्मा ने इसे कट कर दिया है. एंड ये मेयोनीज है जो कि हम इसमें अभी डाल के खाएंगे. एंड ये पकौड़ी हैं और ये साथ में थोड़ी सी चटनी है. एंड इधर भी चटनी है, बट ये चटनी नहीं है सॉरी, ये सॉस है. शौर्य तुम आज ट्यूशन पढ़ोगे जो तुम्हारी आँख में कुछ प्रॉब्लम है? क्यों, कुछ हुआ थोड़ी है भाई? टेस्ट होने वाला था. ओ हेलो, ये पूरे टाइम नहीं रहने वाला है भाई, ये पूरे टाइम थोड़ी रहेगा. हाँ तो जब बट तुम अच्छे लग रहे हो चश्मे में. जब होगा तब. नाइस. गाइस इसकी वजह से मैं स्पेक्टिकल्स लगा के घूम रही हूँ, इसकी वजह से, क्योंकि कहीं इसने कहीं अपना चश्मा हटा ही दिया और फिर मैंने देख लिया इसकी आंखों में. तो वैसे इसकी आंख रेड भी हो रही है, मैंने देखा, आपको दिखाया था ना मैंने अभी, इसकी एक आंख रेड हो रही है, दूसरी वाली में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. पता नहीं क्या हुआ है, पता चल जाएगा. गाइस आई थिंक बाहर जो है बहुत तेज़ हवा चल चुकी है. एंड यू कैन सी पहले चलती है. और हाँ मम्मा, आप कैसे जाओगे? हाँ? नहीं अगर बारिश हो गई तो? बारिश बहुत ही बड़ी देर गई है ना वैसे भी. रात में पूरी. रात में हाँ यार. अरे मेरी फ्रेंड. गाइस बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है एंड मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे बाहर बुला रही है. और उसकी शायद स्कूटी है, वो शौर्य से निकलवाने को कह रही है क्योंकि घर पर शायद कोई है नहीं उसके. शौर्य भी गया हुआ है एंड मैं भी बाहर जा रही हूँ. ये मौसम कैसा हो रहा है? मजा आ रहा है. बोरी ये लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए. और अब तो क्या ही करूं यार, मेरी तो ऐसी तैसी मरी पड़ी है यार. आप मौसम का मजा लीजिए भाई, हवा चल रही है बहुत तेज, आपको झाड़ी देख के पता ही लग रहा होगा. सो गाइज अभी शौर्य और मम्मा जा रहे हैं बाहर शौर्य की आई ड्रॉप लेने के लिए जो कि उसकी आँख में प्रॉब्लम हो रही है. और शौर्य स्कूटी बाहर निकाल रहा है अभी. गाइज कुत्तों के चीखने की आवाज़ आ रही है बहुत जोर जोर से यहाँ पे. गंदे तरीके से ये कुत्ता चीखता है, छोड़ो पिल्ला. पता नहीं, रात देखो अभी भी आ रही होगी आपको. हमारे घर में, हाँ मतलब हमारे मोहल्ले में कुत्तों की चीखने की बहुत आवाज़ आती है, रात को तो बहुत ही ज़्यादा. जल्दी आओ, मेरी दिक्कत हो रही है मामा. हाँ मम्मा जल्दी आओ. मम्मा मैं तुम समझ ही नहीं सकती मेरी परेशानी को अभी. ओह कोई बात नहीं मामा, तुम मेरी बात को सुन रही हो क्या मामा? इतनी धीरे से आवाज चली जाएगी वहाँ तक? बेवकूफ, मतलब आँख के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया है क्या? आ गई आ जाओ. हाँ सही है, लगा के जाओ. ओके ओके, बाय बाय. गेट बंद कर लेती हूँ गाइस. पहले तो मैं सीरियस नहीं रही थी कि चश्मा लगाऊं कि नहीं लगाऊं. ऐसे लगा के मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि एकदम से चश्मा लगा के घूम रहे हैं ऐसे बाहर. बट जब मैंने देखा कि भाई शौर्य को हो रहा है, पता नहीं पर शायद हो ही रहा है आई थिंक, तो मैं तो बच के रहूंगी, चश्मा लगा के रहूंगी. गाइस मम्मा और शौर्य तो 15 मिनट में आ भी गए मार्केट से इतनी जल्दी. मम्मा इतना सही काम था बस उनकी शॉप पे, कोई ज्यादा नहीं. शौर्य की आंख में ड्रॉप डाली जाएगी. दोनों आंखों में तो दोनों में डालना है, वो कहेंगे मतलब दूसरी में असर नहीं होगा ना फिर. हाँ हाँ चलो चलो चलो.
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पता नहीं चलेगा। अरे डरो मत, शौर्य आगे खोल लो। पागल लड़के कुछ होगा, इधर कर फेस थोड़ा। अरे डरो मत, बस आगे खोल लो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। मैं फिर थोड़ा रिलैक्स करके डालूंगी दूसरी वाली आंख। हाँ भाई खुल भी रही है ना, ये खुली नहीं है अभी तो शायद। ये लौंडे डर मत। अरे डरो मत, अरे आंखें खोलो, तुम पूरी आंख खोल लो। हाँ डरो मत बिल्कुल भी। ओ मैम जी, ओ मैम जी, बंद रखो। हाँ ठीक है, मेरे में विश्वास डाल दोगे? मैं मम्मा नहीं, थोड़ा एक ही ड्रॉप डाल देना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा घर का फील हो रहा है। हाँ यार सबको क्या प्रॉब्लम, ऊपर से पहुंच दूँ, ये थोड़ा सा आ रहा है। दूसरी वाली में भी नहीं, जैसी ड्रॉप डाली है। सबसे दूर रहना पड़ेगा, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले बच्चों के पास में मत घुसो। और क्या, रात के 11 बजे तक खेल रहे थे भाई साहब। हाँ गाइस, आई थिंक मम्मा को भी लग रहा है कि शायद उन्हें आई फ्लू हो गया है, उनको अपनी आँख से कीचड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। शौर्य को तो हो ही रहा है, मम्मा को भी आई थिंक। मम्मा सच में हो रहा है क्या? हट पागल है क्या, मैं तो कैसी बातें कर रहा है। गाइस बस मैं ही बची हुई हूँ एंड मुझे पता है मुझे नहीं होने वाला है, आई नो, फिर भी मैं बच के ही रहूँगी। गाइस कुछ कह नहीं सकते ना, हो जाए तो। गाइस शौर्य अभी भी जाकर एक कोका कोला लेकर आया है, थोड़ी सी लाना, ज्यादा नहीं। ओके देगी यार, ये कितना ले आया भर के, वही तो मैंने कहा था थोड़ा सा लेकर आना, इतना ज्यादा ले आया ये। अभी नहीं यार, अभी तो दीदी गला ही सही हुआ था। गाइस अभी जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें मुझे जुकाम हो रहा था ना, और अभी मैं दोबारा से। सो गाइस हमेशा की तरह आज भी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी भी मेरी ट्यूशन खत्म हुई है एंड मैं मिठाई खा रही हूँ। गाइस ये देखिए मम्मा बाहर घूम रही हैं। बाहर क्यों घूम रही हो मम्मा, जब आई फ्लू अगर हो रहा है पता नहीं, आई डोंट नो हो रहा है कि नहीं। अरे यहाँ से एक ट्रैक्टर निकला था इसलिए, ये सीधी थी पहले, यहाँ कुछ हुआ भी तो था। हाँ जो कुछ भी है वही, वैसे भी घर से ज्यादातर ये फोर व्हीलर गाड़ियाँ निकलती है उसकी वजह से। चलो हम भी, अब भी आँख में प्रॉब्लम है इस वाली में। ओ लग रहा है मैं तो कुछ लग नहीं रहा, सेम लग रहा है मुझे तो, कुछ लग नहीं रहा अलग। लेकिन आँख रेड भी नहीं पड़ रही बिल्कुल दोनों से, अरे नहीं पड़ रही है हल्की सी इसमें, ऐसा क्रैक सा नहीं होता, हल्का सा ऐसे जा रहा होता है वैसी वाली। अरे नहीं रेड जैसा, रेड जैसे एक ठंडा स्टॉर्म होती है, ऐसा हल्का सा ऐसे जा रहा होता है, तो वो इस वाली आँख में हो रहा है। देखो दिख रहा है हल्का सा, हाँ दिख रहा है ना, छोटी भी लग रही है थोड़ी सी, पूरी तरीके से निकल रही है, मुझे पता नहीं चल रहा। मौसम बढ़िया हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है। सो गाइज अब हम शाम की चाय पियेंगे, साथ में बिस्किट चिप्स एंड नमकीन। क्यों मम्मा? हाँ एंड मम्मा कैसी लग रही है चाय? अरे मैंने चाय पी रही, सारी भाव मेरे चश्मे पे आ गए फूंक मारने के चक्कर में, हट रही है पर ऐसे नहीं पूरा। नहीं बड़े कप में ऐसे ही होता है, छोटे कप में नहीं होता ये सब। बस कि कप उड़ाओगी पूरा। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, तो आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 एंड शौर्य और मैं अभी टीवी देख रहे हैं। ये देखिए शौर्य कितने रिलैक्स, मतलब इतने अच्छे एकदम बीच वाले कपड़े पहनकर। ऐसे बीच पर हो शौर्य तुम बैठे हो, वहाँ तुमने इतना लुक ले रखा है, ये इतना मस्त सा बॉडी शो कर रहे हो अपनी। ओम फो शौर्य BGMI की वीडियोज देख रहा है। तो गाइस अभी मैं खाना खा रही हूँ, खाने में ये है दही और साथ में रोटी एंड साथ में प्याज एंड साथ में ये बैगन आलू की सब्जी। एंड इधर जो है शौर्य नीचे बैठ के ग्लूकॉन डी बना रहा है, और ग्लूकॉन डी इस बार दूसरा वाला, कौन सा है शौर्य? ये लेमन वाला है, वो वाला नहीं है जो हम हमेशा पीते थे, मतलब ऑरेंज वाला, लेकिन ये दूसरा है। पहले भी लाए थे कमाल, हाँ पहले, पर वो पहले वाला खराब निकला था तो फेंक दिया था। मेरे कहने का मतलब वही है, मतलब हाँ मतलब ये गाइस कहने का मतलब मुझे नहीं पता होता कुछ भी, मुझे बोलने नहीं देगा।
तो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस। क्यों मम्मा, है ना? मेरा तो फेवरेट। हाँ गाइस, रियली जब मैं बिग बॉस देखती हूँ ना, मेरे फेस पे ऐसी स्माइल आती है, और खास कर तब जब मैं एल्विश यादव को किसी की बेइज्जती करती हुई देखती हूँ। रियली एल्विश यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच्ची में मजा आ रहा है। सो गाइस इसी बात पे एक बार सिस्टम कर दो कमेंट बॉक्स में। सो गाइस मैं ये ब्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, करो जल्दी सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।